गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे थे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, उसके हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पे आए थे। तो आज हम हमारा सिक्स पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट टेस्ट आई होप अच्छा गया होगा, आपने पेपर भी अच्छे लिखे होंगे। तो आज हम अपना सिक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है बेटा? डिससेटिस्फैक्शन मतलब होता है असंतुष्टि, मतलब जब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो 1835 से 56 के जो एरा थे, जो एज थे, जो पीरियड थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे दो ब्रिटिश जो हैं वो बातें कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ देखो क्या दिया है, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो उस ज़माने में क्या हुआ था, उस एरा में एजुकेशन, जो शिक्षा थी, जो पढ़ाई थी ना भारत में, वो पर्शियन या संस्कृत, पर्शियन और संस्कृत भाषा में होती थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज। तो 1835 में एक इंग्लिशमैन, एक ब्रिटिश ने क्या किया कि एक सजेशन, एक सलाह दिया, उस थोड़ा चेंज लाया उसने एजुकेशन में, शिक्षा में, पढ़ाई में थोड़ा चेंज लाने के बारे में सोचा। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने क्या कहा कि हमें नेटिव्स, नेटिव्स किसको कहते थे, वो लोग इंडिया के जो पीपल होते थे ना, उनको वो नेटिव्स कहते थे। तो कहते हैं, वो कहता है कि नेटिव्स को, यानी यहाँ के लोगों को, हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। आई एग्री। तो दूसरा कहता है, मैं इस बात से तैयार हूँ, मतलब सहमत हूँ। अब बाजू में देखो, वहाँ पे सब जो बैठे हुए हैं टेबल पे लोग, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें ऊपर दिया हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। तो वो मतलब ये जो इंग्लिश एजुकेशन था, अगर इंग्लिश भाषा या इंग्लिश जो शिक्षा थी वो हो जाने से क्या होता था कि उससे ना बहुत सारे क्लर्क जानते हो ना, जो ब्रिटिश के अंडर, मतलब जो ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं वो सब, तो वो इन लोग उस ज़माने में ऐसा होता था कि इंग्लिश एजुकेशन जो लोग ले लेते थे, जो लोग पढ़ाई कर लेते थे, उनको ब्रिटिश के अंडर में बहुत अच्छा एक क्लर्क का जॉब मिलता था और उनकी पेमेंट भी अच्छी होती थी। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. और साथ ही साथ होता क्या था कि मतलब एक अच्छा, एक नया generation, एक नई पीढ़ी आगे निकल कर आती थी। जैसे पहले पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज ही होते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज जो हम आज पढ़ ही रहे हैं ना, हम आप ये सब पढ़ ही रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी लोगों में इसका नॉलेज भी आने लगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, मतलब हमें हमारे भाइयों को शिक्षित बनाना होगा, पढ़ाना होगा। तो दूसरा क्या कह रहा है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और साथ ही साथ उनकी कंडीशन, जो स्थिति है, उसको भी हमें सुधारनी होगी। तो तीसरा कहता है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कहता है, इसके लिए हमें हमारी जो ये बात है, हमारी जो तकलीफ है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखनी होगी। अब नीचे देखो, इंडिया का एक पिक्चर दिया हुआ है बेटा। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। ओके, देखो अब बाजू वाली जो पिक्चर है, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे ना, वो मतलब एरिया तो कब्जा कर ले रहे थे, साथ ही साथ लोगों पर भी अपना अधिकार जमाने लगे थे, लेकिन वो लोग इंडियंस की केयर नहीं करते थे, मतलब ज़रूरतें, जो इंडियन पीपल की जो ज़रूरतें थी, जो नीड्स थी, उनकी उन्हें चिंता नहीं थी। अब उसमें यहाँ पे देखो, नीचे लोग बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो एक कहता है, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट ओवर ओल्ड जॉब्स। तो एक कहता है कि हमारे जो राजा है ना, पपेट मतलब होता है कठपुतली, तो कहता है हमारे जो राजा है ना, वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन के रह गए हैं, और हमें हमारे नौकरियों से, जो हमारा पुराना जॉब था उससे, वो हमें खोना पड़ा। तो दूसरा कहता है, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीनें भी हमने खो दी। तो तीसरा कहता है, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, कन्वर्टिंग जानते हो ना कि मतलब कास्ट में चेंज कर देना, जैसे वो सब क्रिश्चियन बना रहे थे जो हिंदू थे, या सबका धर्म परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, कि सबके कास्ट चेंज कर रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो लास्ट जो पर्सन है वो क्या कहता है कि तुम लोग सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ ऐसा करो ताकि हम जो है उनको यहाँ से बाहर निकाल सके, मतलब इस स्थिति से हम उन लोगों को बाहर निकाल सके। तो मतलब लोगों में भी एक तरह, जो शिक्षित लोग हैं, वो लोग लोगों की पढ़ाई के बारे में, उनको एजुकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। नीचे जो गाँव के लोग हैं, वो मतलब क्योंकि ब्रिटिश जो है वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ना लोगों पर, तो वो लोग उसके ऊपर भी उन्हें चिंता है, और वो लोग बातें कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें
चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं, हमारे खेत चले गए, हमारी ज़मीन चली गई, हमारा जो जॉब था वो चला गया। ये थर्ड डिससेटिस्फेक्शन, मतलब लोगों में असंतुष्टि थी। अब सेवेंथ पॉइंट जो बेटा हमारा आ रहा है, द स्पार्क, किस तरफ विद्रोह, जो चिंगारी भड़की थी 1855-57 के जो एरा था, पीरियड था, उस समय ये चिंगारी भड़की थी। तो देखो उस समय क्या हुआ था, फर्स्ट जो पिक्चर है आपके पास टेक्स्ट बुक होगा उसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा, तो उसमें देखो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होगे कि किस तरह से मतलब एकदम विद्रोह का माहौल है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दे रहा है, टैक्सेस कंटिन्यू टू रून द पीसेंट, जो टैक्स थे वो लोगों पे, जो पीसेंट किसको कहते हैं, किसानों पर जो टैक्स यानी जो कर हुआ करते थे गरीबों पे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ने लगे। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। बंगाल में ही जो संथाल जो ट्राइब्स जो कास्ट थी, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी इस टैक्स के नए, जो नया लैंड रूल पास हुआ था, उस नए लैंड रूल्स में क्या हुआ था, जो भी रूल्स आए थे उसके अंडर में जो संथाल थे बंगाल के, उन लोगों को उनकी ज़मीनें खोनी पड़ी। तो वो लोग बहुत डेस्परेट, बहुत उदास, बहुत ही मतलब परेशान हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो 1855 में क्या हुआ कि उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जगी और यूरोपियन और उनके सपोर्टर्स को उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से हटाने स्टार्ट किया। सेकेंड पिक्चर में देखो क्या दिया है, डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी मतभेद होना शुरू हो गया था। देखो अब वहाँ पे अंदर ही एक हॉर्स पे बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मैंशन टू लिव इन सर्वेंट्स। तो मतलब लोगों में उसमें भी क्या होता था, इंडियन पीपल भी थे और फॉरेनर्स भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे। तो एक कहता है कि जो वाइट सोल्जर्स होते हैं यानी जो अंग्रेज़ हैं ना, उनको अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है, मतलब उनको उनकी जो सैलरी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा है। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि जो इंडियन थे उनको कैसा हो रहा था, बहुत ही कम और मतलब धीरे धीरे उनका प्रमोशन भी बहुत स्लो हो रहा था, उनको उनकी जो सैलरी थी वो भी कम थी, या उनके इंक्रीमेंट हम कह सकते हैं जो हर मतलब बढ़ाई जाती थी वो भी बहुत कम था। तो ये जो अंदर ही अंदर जो सोल्जर्स थे वो बातें करते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वाइट सोल्जर्स हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, उनको सब कुछ अच्छा है, उनका प्रमोशन अच्छा है, जबकि उनके कंपैरिजन में हमारा प्रमोशन कैसा है, बहुत ही स्लो है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन। तो ये कहता है अंग्रेज चाहते हैं कि, अंग्रेज हमेशा कहते हैं कि हम समुद्र पार करके जाएं, लेकिन ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। तो कहता है ये टोपी वाले कौन है, टोपी वाला किसको कहा जा रहा है, अंग्रेज़ों को कहा जा रहा है। तो कहता है ये टोपी वाला कौन है जो हमारे कस्टम को तोड़ रहा है, हमारे कस्टम को बर्बाद कर रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो ये कहता है हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा, हम अंग्रेज़ को यहाँ से भगाएंगे। बाजू वाली पिक्चर्स देखो बेटा, जो थर्ड पिक्चर है, थाउजेंड ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड। इसी तरह और जो सिपाही थे, सिपाही मतलब सिपाही, जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे वहाँ पे, वो सब धीरे धीरे इसका विद्रोह करने लगे कि मतलब क्यों उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, हमें कम मिल रही है, हम भी तो वही जॉब कर रहे हैं, हम भी तो उतनी मेहनत कर रहे हैं। देवर स्ट्राइप टू ऑफ देयर यूनिफॉर्म, धीरे धीरे वो मतलब देवर स्ट्राइप ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, जो उन्होंने यूनिफॉर्म जो उनको मिली थी, धीरे धीरे उन लोगों ने एक एक चीज़ को क्या करना स्टार्ट किया, बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। इसी तरह का एक सिपाही मंगल पांडे, आप ऐसे में पढ़े होंगे मंगल पांडे के बारे में, उसने भी इसका विरोध किया और वो भी क्या किया, आगे बढ़ा। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उसको क्या किया गया, पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू